नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग झुग्गी झोपड़ी बस्ती मुफ्त शिक्षा आयोजन से जुड़े व अनेक सामाजिक कार्य करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अपने YouTube चैनल पे ऐसे तमाम सामयिक विषयों पर वीडियो भेजते रहते हैं जिससे हमारी जनता को अत्यधिक लाभ हो सके। आज का विषय हम लेना चाहेंगे, प्रदूषण के कारण कम वजन के नवजात बच्चे हो रहे हैं। एक वीडियो आपने और देखा होगा जिसमें प्रदूषण से जुड़ी आपको जानकारी दी गई। समय समय पर आपको ऐसे सामयिक विषयों पर जो आज चिंता का विषय बनते जा रहे हैं उसके वीडियोस आपको दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 6 लाख से अधिक महिलाओं पर किए गए शोध के नतीजों पर हम देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। प्रदूषण गर्भ में पल रहे बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। लंदन में हुए एक शोध के मुताबिक प्रदूषण की वजह से माँ के पेट में भ्रूण का विकास प्रभावित हो रहा है और कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके फेफड़े छोटे हो रहे हैं, उनके दिमाग भी मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि बच्चे पेट से ही डिप्रेस पैदा हो रहे हैं। उसकी कई वजह थी, एक तो हमारे लोगों का रोज़ का जो रूटीन है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसका फ़र्क हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। हर तीसरा बच्चा डिप्रेस है, मानसिक अवसाद से गुजर रहा है। उसका कारण है कि उसकी माँ या तो बहुत ज़्यादा तनाव में दबाव में रहती है, ऐसे माहौल में हम रहते हैं जहाँ पे नकारात्मकता ज़्यादा है, और वो नशे इत्यादि का भी सेवन करते हैं जिसका फ़र्क उस बच्चे पर पड़ता है। एक ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पर बच्चा पैदा होने से पहले हमारे किए गए बुरे कर्मों को भुगत कर सामने आता है। 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं पर किया गया शोध है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इम्पीरियल कॉलेज लंदन और किंग्स कॉलेज लंदन ने मिलकर यह शोध किया। इस शोध में 671,509 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। सभी का पता भी नोट किया गया जिससे यह मापा जा सका वह जहाँ जा रही हैं उस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर क्या है। शोध में पाया गया कि ज़्यादा प्रदूषण जहाँ है वहाँ की महिलाओं ने कम वजन वाले बच्चों को जन्म दिया। वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी नुकसान किस प्रकार होता है ये उसको जानिए। गर्भाशय भ्रूण को किस भी प्रकार से बाहरी नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। शोध में शामिल महिलाओं की जब जांच की गई तो इस बात का पता चला कि उनके शरीर में विषैले रसायन भी मौजूद थे। वायु और ध्वनि प्रदूषण इसकी बड़ी वजह थी, और जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है इन मामलों पर, वहाँ पर बच्चों पर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मस्तिष्क पर भी पड़ता है इसका ज़्यादा असर। जी हाँ, हालांकि दिखने में तो ऐसा नहीं लगता, प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है इन बातों का, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। माँ बनने जा रही कोई महिला इन रसायनों और वायु प्रदूषण तत्वों के संपर्क में आती है तो उसकी कोख में पल रहे शिशु के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास में भी अवरोध पैदा होता है, यानी इसका फ़र्क उसके दिमाग पे पड़ता है। भारत में सबसे कमज़ोर बच्चे पाए गए। 9.7 करोड़ कम वजन वाले बच्चे हैं भारत में, यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है। 19.2 करोड़ बच्चे औसत से कम वजन के हैं। 56% लड़के कम वजन वाले दुनिया में हैं और 6% तक घटी भारत में 4 सालों में अंडरवेट बच्चों की संख्या। 20% बच्चे कम वजन से होते हैं प्रभावित। WHO के अनुसार, ये एक बड़ी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर हम सर्वे देखें तो 2500 ग्राम से कम वजन वाले नवजात कम वजन में आते हैं। दुनिया में पैदा होने वाले शिशुओं में से 15 से 20% बच्चे लो बर्थ वेट से प्रभावित होते हैं। लो बर्थ वेट क्या होता है साथियों? जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसका वेट बहुत लो है तो वो अपने जन्म के साथ ही या तो कई बीमारियों के साथ पैदा होता है या इस बात की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं कि वो आगे चलकर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। तो प्रदूषण आपको पता है कि एक समस्या बनता जा रहा है जिसका फ़र्क अब यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी पड़ता है। तो इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहें, प्लास्टिक, रबड़, कागज़ इत्यादि ना जलाएं, लोगों को इसके लिए जागरूक करें। कम से कम हर आदमी, एक आदमी को जागरूक करें कि पेड़ काटे जाते हैं कागज़ के लिए। यहाँ तक कि अगर एक बच्चा शांति से भी घर में बैठा है तो भी उसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण का भी असर पड़ता है। गाड़ियों का तेज हॉर्न, घर के आसपास चलते पटाखे या घर में नकारात्मकता का माहौल,
भी काफ़ी असर डालता है। इसी विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिला जिनके घर में इस प्रकार का माहौल बना है कि वो घर से उठकर बल्कि अपने घर के बाहर भी बैठे, और जब उनसे पूछा गया कि बेटे आप बाहर क्यों बैठे, आप खेलते कूदते क्यों नहीं, तो उन्होंने बताया कि घर में हमेशा ये माहौल रहता है कि हमारे माँ बाप झगड़ते रहते हैं या कोई ना कोई ऐसा विषय घर में तैयार रहता है जिसकी वजह से उनको उबन होती है, बोरियत होती है, तो बाहर आते हैं। आप ये सोचिए 4-5 साल के बच्चों के दिमाग पर ऐसे माहौल का क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो आइए एक बार फिर आपको मैं रिपीट कर दूँ जो प्रमुख पॉइंट्स हैं इस वीडियो के। 6 लाख से ज़्यादा महिलाओं पर किया गया शोध है, 6,71,000 गर्भवती महिलाओं पर किया गया शोध है, जिसमें यह पता चला कि शरीर में विषैले रसायन भी मौजूद हैं, वायु और ध्वनि प्रदूषण इसकी बड़ी वजह थी। और हमारे देश भारत में जो कि कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसमें 9.7 करोड़ कम वजन वाले बच्चे हैं, 19.2 करोड़ बच्चे औसत से कम वजन के हैं आज दुनिया में, 56% लड़के कम वजन वाले हैं दुनिया में, और 6% तक घटी भारत में 40 सालों में अंडरवेट बच्चों की संख्या जो है, अंडरवेट जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। प्रयास यही रहता है कि समय के साथ साथ आपको ऐसे तमाम वीडियोस भेजे जाएं जिससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकें, इन जानकारियों को हम शेयर कर सकें ताकि इस समाज का भला हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलना चाहूँगा दोबारा जल्द ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।